अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ एक और रमादान की रेसिपी है। चिकन लेग पीस है, सुपर क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। चलिए देख लेते हैं मज़ेदार से चिकन लेग पीस को हमने किस तरह रेडी किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 kg चिकन लेग पीस लिया है विद स्किन, क्योंकि हम इसको सुपर क्रिस्पी बना रहे हैं। और मैंने इनको क्या किया है, इस तरह से चिकन की पीसेस को मैंने एक कट लगाया है। मैंने 2 रखे हुए थे आपके लिए कि मैं आपको दिखा दूँ। इधर से आपने एहतियात के साथ इसको इस तरह से कट लगाना है इसकी स्किन के साथ ही, और जस्ट आपने इसको बोन से अलग करके एक बटरफ्लाई सी बना ली। ठहरे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए कट जाएगा इजीली। फिर आपने इसको अच्छे से काटेंगे इसको, एक तो ये जल्दी से कुक भी हो जाएगा और इसकी डिफरेंट सी शेप आ जाएगी। इस तरह से आपने इस तरह से इसको फैला लेना, ठीक है। इस तरह से ये मैंने सारे रेडी किए हैं। अगेन इसको या तो आप इस तरह से कोई शार्प सी आपने नाइफ लेकर इसको नीचे की तरफ इसके लेके आना। इस तरह से ये कट जाएगा तो बस आपने इसको इस तरह से खोल लेना। जस्ट हमें यही शेप चाहिए। इसकी मैरिनेशन करेंगे हम तकरीबन, अगर आप रमादान में इसको बनाना चाह रहे हैं इफ्तार में, तो आप इसको जोहर के बाद आप इसको कर सकते हैं, ताकि 2 से 3 घंटे इसको मिल जाए आराम से मैरिनेशन के बाद में। जस्ट आप इसको कोटिंग करें और आप इसको फ्राई करें, ठीक है। मैरिनेशन इसकी कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए एक बड़े बाउल में हम ये चिकन के जो हमने रेडी किया हुआ था इस तरह से इसको करेंगे, और सिंपली इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, सुर्ख मिर्च पाउडर, पेपरिका और काली मिर्च। सब चीज़ें मैं 1-1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको स्पाइसी भी बना सकते हैं और कम स्पाइसी भी बना सकते हैं, टोटली अप टू यू है। 1-1 टीस्पून मैंने ये चारों चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं। इसके बाद सोया सॉस चला जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून, लेमन जूस चला जाएगा 1 टेबल स्पून, और ये गार्लिक सॉस है ये इसके अंदर चली जाएगी। ये भी मैंने रिसेंटली आपको सिखाई हुई है सॉस, चिली गार्लिक सॉस, ये वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 2 से तकरीबन 30 मिनट्स कर लें। अगर आपके पास टाइम सही है, नॉर्मल टाइम आप दे सकते हैं इसको जितना, उतना ही अच्छा होगा। इसको आप मैरिनेशन के लिए टाइम दे दें तकरीबन 2 से 3 घंटे। बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है, डिफरेंट सी हो जाती है अगर ये फ्राई होंगे जब, तो अब इनकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी। चलिए जी, इसको मैं अच्छे से मिक्स करके रखती हूँ, फिर इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट इसको आपको फ्राई करके और कोट करके इसको फिर हम फ्राई करें। चिकन लेग पीस अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं, अब इसकी कोटिंग की बारी आती है। इसको मैं स्पेशल बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आती है। सिंपली आप मैदे में इसको कोट करेंगे तो उसका वो टेस्ट नहीं आता। आपको मैं सिखा भी चुकी हूँ ब्रेड क्रम्स, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेसिपी है इसमें मैदा 3 कप्स है और तकरीबन 1/2 कप मैंने इधर कॉर्नफ्लोर डाला है, इससे ये और मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आपको और ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप 1/2 कप ही राइस फ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3 कप्स मैदा और 1/2 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। इसके बाद इसके अंदर चला जाएगा गार्लिक पाउडर 2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 2 टीस्पून, सॉल्ट 2 टीस्पून और 1 टीस्पून ओरिगानो है, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ही इसकी कोटिंग रेडी होगी। ऑयल मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, वो गर्म हो रहा है हमारा, साथ साथ हम ये पीस इसके रेडी कर लेते हैं लेग पीस। अच्छा ये हो गया, एक और पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वाला। ये मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून दही लिया है और सिंपल इसमें मैंने 2 कप्स वाटर डालकर, तो उसको मैंने अच्छे से मिक्स करके तो तकरीबन 15 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रख दिया था, और ये बहुत अच्छे से ठंडा हुआ था। आपने इसको बहुत अच्छे से, हमें चिल्ड चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये देखिए चिकन का पीस है, इसको इसमें डिप करेंगे बहुत ही एहतियात के साथ, और साथ ही हमने इसको ये नज़र आ रहा होगा आपको कैमरे में, इसको हम इसमें डस्ट करें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरह से झाड़ लेंगे, फिर अगेन इसको सेकंड कोट करेंगे और अगेन हम इसको इस मिक्सचर में करके इस तरह से हम अपनी ये
सारी जो हैं स्टिक्स रेडी कर लेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह से झाड़ लेंगे और ये हमारी एक स्टिक हो गई है रेडी। ठीक है, इसी तरह से वन बाय वन मैं सारी स्टिक्स रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको लेके चलते हैं फ्राइंग पैन की। चलें जी, ऑयल हो गया है प्री हीट। अब ये वन बाय वन जितने इजीली आपके पैन में आ जाएं उतने हम डालेंगे। बहुत हाई फ्लेम नहीं रखेंगे हम, इस तरह से। चलें जी, अब इसकी साइड पलटे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। 2 से 3 मिनट एक साइड को हो गए हैं, अब इसको हम टर्न कर लेंगे। जब हमने इसको इस कंडीशन में, आप चाहें तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी अगर कोई इफ्तार पार्टी हो और आप चाह रहे हैं कि आप एक दिन पहले ही इसकी तैयारी करके रख लें तो आप इसको करके रख लें और फिर नेक्स्ट डे जो है आप इसको बाहर निकालें जस्ट, और थोड़ा भी इसको नॉर्मल होने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, जस्ट आप इसको फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन बनेंगे। बहुत हाई फ्लेम में रखेंगे क्योंकि चिकन जो है उसको हमें अच्छे से कुक करना है अंदर तक। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं कुछ मैं आपको बनाकर दिखा दी, कुछ हम सेव करेंगे। आपने क्या करना है, सिंपल सा एक बड़ा जार ले लेना, डस्ट कर लेना आपने उस पर मैदा इस तरह से, और ये जो हमारे रेडी हैं बिल्कुल कोट हुए हुए उसको हम इस तरह से रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेयर इसकी हम रख रहे हैं। कोई इसको मुश्किल नहीं है, जस्ट रमज़ान होता है तो अफ्तार के टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें समटाइम गेस्ट आते हैं तो बनानी होती हैं। फिर ये रख लिया, फिर अगेन यही मिक्सर जो बचा हुआ था ना रिमेनिंग इसकी कोटिंग का, ये मैं वही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अगेन ताकि ये स्टिकी ना हो आप इसको इसकी तरह से उल्टी डायरेक्शन में इस तरह से बाकी रखेंगे। थोड़ी सी हम इसको मैदे के साथ कर लेंगे ना ताकि ये स्टिकी ना हो, जहाँ हमें लगे कि स्टिकी हो रहा है थोड़ा सा ऐड करके तो हम इस तरह से रखेंगे। कोई इसको मसला नहीं होगा, कोई ये ख़राब नहीं होंगे इस तरह से, और इसको मैं अपनी इस तरह से रख कर तो आप इसको विद इन वीक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी चिकन जो है लेग पीस रेडी हो गए हैं। आप लोग ने इसको एक ट्राई ज़रूर देना है और फीडबैक भी देना मत भूलिएगा, ताकि जो दूसरे फॉलोअर्स हैं जो बनाना चाह रहे हैं उनको भी पता चल जाएगी किस तरह की रेसिपी है, इसका रिजल्ट कैसा निकलता है बनकर। आप लोग रमज़ान में इसको ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह आप सबके घरों में खैर रखिए। हम सब की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।